सोनीपत में फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। जखोली टोल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां उत्तर प्रदेश से हरियाणा मजदूरों को लेकर आ रही इको वैन ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 7 मजदूर घायल हो गए। मृतक मजदूरों की पहचान राघवेंद्र और छेदालाल पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। सभी मजदूर गोहाना में धान लगाने का काम करने आ रहे थे। टोल से पहले चल रहे ट्रक ने एकाएक ब्रेक लगा दिए, इससे पीछे चल रही इको ट्रक में जा घुसी। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही सोनीपत कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया। घायलों को सोनीपत से रोहतक व खानपुर PGI रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।